हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट प्रैक्टिस की थी। हमने एक ड्राइंग बनाई थी, बहुत सिंपल सी ड्राइंग बनाई थी, बहुत छोटी सी ड्राइंग बनाई थी, जस्ट फॉर बिगनर्स के लिए। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि हम प्रैक्टिस आगे करते जाएंगे तो हमारी जो ड्राइंग्स होंगी वो कॉम्प्लिकेटेड भी होती जाएंगी। तो मैंने कमांड्स के बारे में सब बताया है, रोटेट कमांड, मूव कमांड, कॉपी, मिरर, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताया। आप मेरी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक सारी वीडियोस क्लियरली पहुंच सके और इसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो लेट्स शुरू करते हैं। आज एक और प्रैक्टिस करेंगे, सॉरी, ड्राइंग की। तो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं एक लाइन ले लूँगा, एल इंटर। मैंने एक लाइन ले ली तकरीबन 20 की, ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने इसके एंड पॉइंट पे एक सर्किल बना दिया और मैंने 5 का एक सर्किल बना दिया और मैंने इसको कंसीडर कर दिया ऑब्जेक्ट लाइन को, ऑब्जेक्ट लाइन में इसको कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ऑब्जेक्ट लाइन का हम ना कलर चेंज कर देते हैं, मुझे तो वाइट पसंद है। आप अगर आपको जो भी आपको पसंद है आप वो रख सकते हैं, ठीक है। ओके, और इसको वेट को भी ओपन कर देते हैं, शो करा देते हैं और इसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं और इसका हम थोड़ा सा स्केल अप कर देते हैं, 5, आई थिंक इट्स बेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब मुझे ये इस तरह के 12 चाहिए तो मैं सिंपल इसका एरे करूँगा। एरे कमांड मैंने हर एक चीज़ डिफाइन की हुई है, आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 6 आते हैं तो मैं यहाँ पे 12 लिखूँगा और यहाँ पे 12 आ गए। ओके हो गए, तो मैं इसको एक्सप्लोड कर देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, फ़िलहाल इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं यहाँ पे, इसकी सेटिंग होती है UCS आइकन लिखेंगे तो ये कमांड है, इसको ओपन कर यहाँ पे नॉन ओरिजिन पे क्लिक कर दें तो ये साइड पे चला जाता है। देखिए, ये लॉक हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आएगा नहीं, सामने नहीं आएगा। ओके, इसके बाद मैं एक और सर्किल लूँगा और इसका डायमीटर मैं रखूँगा 20, ठीक है। और एक और सर्किल लूँगा, ठीक हो गया। दोनों को मैं ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूँगा और इधर से मैं अब ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब ऑब्जेक्ट लाइन ही डायरेक्ट बनेगी। उसके बाद मैं इन सबको ट्रिम कर देता हूँ, इन सब लाइंस को। आगे चल के मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स बनाऊंगा तो आपको इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी और अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहेंगे तो आगे चल के आप एक्सपर्टीज़ लेवल तक पहुंच जाएंगे। एक मैं सर्किल रफ सा बना रहा हूँ जितनी मुझे सेंट्रल लाइन को बाहर निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड की कमांड लूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और इन सब लाइन्स पे मैं इन सबको से सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो सबको सिलेक्ट कर लिया सब, ओके, और इसके बाद इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक हो गया। ये जस्ट मैंने इसको एक्सटेंड करने के लिए निकाला ताकि सारी इक्वल बराबर। देखें, एक एक मैं आपको बताऊं, ऑटोकैड में जितना स्मार्ट वर्क करेंगे ना उतना आपका अच्छा होगा काम, उतना जल्दी होगा और देखने वाला भी आपको एज अ प्रोफेशनल देखेगा कि हाँ वाकई इस बंदे को प्रोफेशनल काम आता है, ठीक है। एक हम यहाँ पे एक और सर्किल ले लेते हैं जिसका रेडियस 15 रखते हैं और यहाँ पे एक मैं सर्किल बना देता हूँ, ये एक डायमीटर है 2.5 का, ओके। और मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ सेंट्रल लाइन में, इसको कहते हैं PCD, पिच सर्किल डाया। ये जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं वो अच्छे से इसको जानते होंगे इसका क्या मतलब होता है, ये मैकेनिकल ड्राइंग्स में बहुत यूज़ होता है। इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ 5 पे, ठीक है, ओके हो गया। इसका भी मैं वही एरे करूँगा, एरे, ठीक है, पोलर पे, और ये मैंने 6 हैं तो मुझे 12 चाहिए तो मैंने 12 पे ये हो गया, ओके हो गया, ठीक है गाइस। ये एक छोटी सी एक और प्रैक्टिस थी तो
हम डायमेंशंस ले लेते हैं। आप डायमेंशन लेने के सबसे पहले अच्छा एक बात का हमेशा याद रखिएगा, जो भी हमारी ड्राइंग होती है ना मैकेनिकल खासकर, हम उसको हमेशा सेंटर से शुरू करते हैं, ठीक है। सेंटर से सिर्फ बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है। वो आसान होती है, कंट्रोल करना भी आसान होती है, बनाना भी आसान होती है। तो ये अच्छा ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे डायमेंशन लाइन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अब हम इसको यहाँ पे ओके, अब देखिए हमारा जो बहुत ज़्यादा छोटा है टेक्स, तो अब हमें इसको बड़ा करना है। तो डी इंटर करूँगा मैं यहाँ पे, तो मॉडिफाई पे जाके यहाँ पे मैं टेक्स को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। टेक्स को मैं 2.5 करता हूँ, ठीक हो गया। ये भी सारी मैंने सेटिंग्स पढ़ाई हुई हैं आप लोगों को, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। 2.5 अभी देखते हैं लट्स पर आगे, अगर कुछ इसमें ज़्यादा 0.2 और ये 0.2 अच्छा, और इसको मैं ओके हो गया, और टेक्स्ट को भी थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं लाइन से, ओके हो गया। इसको आप चेक करते हैं, ये काफ़ी बड़ा टेक्स्ट हो गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो 2.5 तो इसको 1.5 कर देते हैं और एरो को भी कम कर देते हैं 1.5, एरो साइज भी ओके। और इसको अब क्लोज करते हैं ओके, ये मेरे ख्याल से गुड है। और इसको हम एक और सेटिंग है इसकी, गाइज मेरी पूरी कोशिश है कि मेरी जो वीडियोस हैं छोटी बने और बहुत काम की बने। देखिए अब इस तरह बन गया, ठीक है, तो ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा ना हो और आप इजीली इसको सीख भी सकें, ठीक है। इसके बाद फिर हम एक डायमेंशन लेंगे और हम इस पर क्लिक करेंगे। सॉरी इसका हमने एक्सप्लोर नहीं किया, इसको एक्सप्लोर करने के बाद फिर हम इसको यहाँ पे हम इसके डायमेंशन लेंगे और ये हमारे पास कितने होल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके एडिट करेंगे, ईडी लिख के एडिट टेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 12 होल्स, ठीक है, 12 बाय होल्स, और आगे इसमें आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये होती है प्रोफेशनल ड्राइंग, मतलब अब आपने ये ड्राइंग बनाई है तो आप एक मशीनिस्ट को इसको देंगे तो वो इसको आपको एक बिल्कुल इस पर ऑब्जेक्ट आपको बना के दे देगा, इसमें आपको होल भी कर देगा, ठीक है। तो 2.5 के डाया का ये होल हो गया। उसके बाद एक और हम ले लेंगे डायमेंशन, ये आ गई। इसके बाद ये रेडियस आ जाएगा, ये हम रेडियस ले लेंगे 2.5 का, तो अब उसको समझ आ जाएगी ये 2.5 के सारे ही रेडियस है, ठीक हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। देखें सबसे पहले तो सर्किल लगाएंगे, वो इतने का लगाएंगे, उसके बाद PCD, अच्छा इसको कहते हैं पिच सर्किल डाया, ठीक है। ये इस चीज़ को हम कहते हैं पिच सर्किल डाया, इसको भी एडिट करके लिखेंगे हम PCD, ठीक है। ये मैकेनिकल वाले इसको अच्छे से जानते हैं, इसका ये जो पिच सर्किल डाया होता है, मैं आम अल्फाज में आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। बेसिकली ये जस्ट होता है निशान लगाने के लिए, ठीक है, मतलब 30 डाया पे हमने एक लाइन लगानी है, फिर उसके ऊपर हमने 12 होल्स बनाने हैं। ये बेसिकली ये सर्किल बनता नहीं है, ये जस्ट रेफरेंस के लिए होता है कि इस पाथ के ऊपर 12 होल्स बनेंगे, बस इसका मतलब आम अल्फाज में इसको ये कहते हैं, ठीक हो गया। और ये बन गया, इसके बाद हमारे 12 होल बन जाएंगे, वो कितने के बनेंगे, 2.5 के। उसके बाद एक और हमारा डायमीटर होगा जो 40 डिग्री का होगा, 40 डायमीटर का होगा, और उसके ऊपर ये जो हमारे होल्स बनेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है तो इसके लिए हमें इसकी डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज ये देखें आप, हमारी एक और सिंपल सी ड्राइंग बन गई है, ठीक है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाएंगे, ठीक हो गया गाइज। इसमें अगर आपको कोई सवाल है, कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक भी मौजूद है, तो आप वहाँ पे भी मुझसे रابطہ कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करते रहा करें। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है, और इसमें हम मज़े मज़े की चीज़ें बनाएंगे आगे चल के। तो गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि आप और भी जिसने सीखना हो वो
वो इसको आसानी से देखे और बिल्कुल फ्री है। मैं इंशाल्लाह बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं इसको लेके